किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी सिलाई मशीन से बहुत परेशान हूँ। कभी तो ये चलती नहीं है तो कभी इसकी सुई टूट जाती है, और जब भी कभी मुझे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो उस दिन तो शायद ये ठान ही लेती है कि आज तो चलना ही नहीं है। लेकिन मैं इसको दोष नहीं दे सकती क्योंकि समय रहते मैंने इसका उचित तरीके से रखरखाव नहीं किया। किसान भाइयों, जहां एक ओर ये मशीनें हमारे कार्य को आसान बना देती हैं, हमारा समय बचाती हैं, साथ में पैसा ही, वहीं अगर हम इनका उचित तरीके से रखरखाव ना करें तो जितना आपका मुनाफा हुआ है उससे दोगुना कहीं ना कहीं अपने ऊपर खर्चा करा ही लेती हैं। आप मेरा इशारा समझ चुके हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपसे इसी विषय में बात करने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कटाई के उन्नत कृषि यंत्र कौन कौन से हैं और इनका आपको उचित तरीके से रखरखाव कैसे करना है। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। दलहन उत्पादन की पंचवर्षीय योजना, अल्पावधि कृषि ऋण की अवधि बढ़ी, हरी खाद का उपयोग करें, भिंडी को पित्त सिरा रोग से बचाएं, रीपर संचालन में सुरक्षा। केंद्र सरकार ने 2020-21 तक दलहन के सालाना उत्पादन में 2.5 करोड़ टन से ज्यादा के इजाफे के लिए एक पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की है। योजना से देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। योजना के पहले साल यानी 2016-17 में दलहन का उत्पादन रिकॉर्ड 2 करोड़ टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जो लक्ष्य से 9 लाख टन अधिक है। इस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों के परामर्श से तैयार की गई है। वर्षा सिंचित और अधिक क्षेत्रों की खेती के तहत लाने के लिए कई राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र अरहर की खेती को भी प्रोत्साहित कर रहा है और उसने इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया है। राज्य शासन ने 0% ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि कृषि ऋण देने की योजना को निरंतर रखते हुए खरीफ सीजन के लिए ड्यू डेट 28 मार्च निर्धारित की है। पूर्व में यह ड्यू डेट 28 फरवरी तय की गई थी। शासन ने किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिए जाने के लिए गत वर्ष लागू योजना को निरंतर रखा है। हरी खाद के उपयोग से न सिर्फ नत्रजन भूमि में उपलब्ध होता है बल्कि मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में भी सुधार होता है। वातावरण तथा भूमि प्रदूषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। लागत घटने से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। भूमि में सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति होती है, साथ ही मृदा की उर्वरा शक्ति भी बेहतर हो जाती है। हरी खाद केवल नत्रजन व कार्बनिक पदार्थों का ही साधन नहीं है बल्कि इससे मिट्टी में कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। हरी खाद के प्रयोग में मृदा भुरभुरी, वायु संचार में अच्छी, जल धारण क्षमता में वृद्धि, अम्लीता क्षारीयता में सुधार एवं मृदा क्षरण में भी कमी होती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ती है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। हरी खाद में मृदा जनित रोगों में भी कमी आती है। इसके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों में कमी करके भी टिकाऊ खेती कर सकते हैं। हरी खाद के लिए सनई, ढेचा, उड़द एवं मूंग की खड़ी फसल को खेत में दबाना चाहिए। भिंडी की फसल को पित्तशिरा मोज़ेक रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। यह रोग विषाणु द्वारा होता है। पत्तियां और फल पीले पड़ जाते हैं। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। इसके रोकथाम के लिए रोगी पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए। साथ ही रोग अवरोधक किस्में जैसे पूसा, सावनी इत्यादि को बोना चाहिए। यह रोग ग्रीष्मकालीन भिंडी में कम लगता है। रोग के नियंत्रण के लिए इसमें संवाहक कीट को खत्म करने के लिए मिथाइल या डेमेटोन 0.025% का घोल बनाकर छिड़काव करें। रीपर फसलों को काटने के काम आता है। यह जमीन से 5 से 8 सेंटीमीटर ऊपर तक की कटाई करता है। इसमें मुख्य भाग फ्रेम, कटरवार, चाकू, व्हील, वियरिंग इत्यादि होते हैं। कटरवार हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका संचालन ट्रैक्टर के द्वारा होता है, जो फसल को काटकर उसकी पूरी बांधने का कार्य करते हैं। इससे समय एवं मजदूरी में काफी फायदा होता है।
इसकी देखभाल समय समय पर करना चाहिए। यदि रीपर से कटाई एक जैसी ना हो रही हो तो यह देखना चाहिए कि लेजर प्लेट कहीं से टूटा तो नहीं, और यदि ऐसा हो तो बदल देना चाहिए। यंत्र को चलाते समय सभी नट बोल्ट अच्छी तरह से कसे होने चाहिए तथा दोनों कन्वेयर बेल्ट और स्टार व्हील आसानी के साथ बिना रुकावट के चलना चाहिए। यंत्र के सभी घूमने वाले भागों में अच्छी प्रकार से ग्रीस अथवा तेल डालते रहना चाहिए। छुरों के धार को समय समय पर तेज करते रहना चाहिए। खेत में कार्य समाप्ति के पश्चात बटर बार की सफाई करना अति आवश्यक है, जिससे जंग ना लगने पाए। रिपर का प्रयोग उन्हीं फसलों की कटाई के लिए किया जाता है जिनके बीच में कोई दूसरी फसल ना बोई गई हो। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जौ के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। छतरपुर में न्यूनतम 1,400 रुपए, अधिकतम 1,500 रुपए। टीकमगढ़ में न्यूनतम 1,450 रुपए, अधिकतम 1,480 रुपए। सतना में न्यूनतम 1,400 रुपए, अधिकतम 1,510 रुपए रहा। कटनी में न्यूनतम 1,475 रुपए, अधिकतम 1,540 रुपए। मक्का के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। हरदा में न्यूनतम 1,175 रुपए, अधिकतम 1,245 रुपए। देवास में न्यूनतम 1,250 रुपए, अधिकतम 1,365 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 1,049 रुपए, अधिकतम 1,268 रुपए। पिपरिया में न्यूनतम 1,150 रुपए, अधिकतम 1,205 रुपए रहा। धान के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बालाघाट में न्यूनतम 1,391 रुपए, अधिकतम 1,549 रुपए। इटारसी में न्यूनतम 2,470 रुपए, अधिकतम 2,849 रुपए। कटनी में न्यूनतम 1,470 रुपए, अधिकतम 1,475 रुपए। और दतिया में न्यूनतम 2,400 रुपए, अधिकतम 2,895 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कि जब कटाई की बात आती है तो कटाई में कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्रों को आप प्रयोग में ला सकते हैं, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शरद कुमार नारनवरे जी, जो कि कृषि यांत्रिकी हैं संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रबी का मौसम है और इस समय कटाई के लिए हमारी फसलें जो हैं खेतों में बिल्कुल तैयार हैं, तो आप हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बताएं कि कौन कौन से ऐसे उन्नत कृषि यंत्र हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं। जी जी, किसान भाइयों, सबसे पहले ये बहुत बहुत सारी बधाई आपको। इस बार फसल बहुत अच्छी है, सबकी उम्मीदें फसल के ऊपर है। अभी फसल को हम किस तरह से काटते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस कौन कौन से यंत्र उसमें उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले हम फसल कब काटें ये महत्वपूर्ण होता है। जब तक हमारी फसल पूरी तरह से पकी नहीं होती तब तक इसको काटना नहीं चाहिए। यदि दाना है उसमें कच्चा रहा तो हम जब मशीन चलाएंगे तो उसमें नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, डैमेज हो सकता है उसका, फसल को नुकसान हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले फसल पकने दें, या फिर दूसरा यह गलती ना करें कि ज़्यादा दिन तक पकने के बाद भी उसको ना छोड़ें।
ताकि जब हम मशीन चलाएंगे तो उसमें हमारे फसल का लॉस होता है, हमारा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो छोटे किसान होते हैं, जिनका रकबा छोटा होता है, जहाँ मशीनें जिनके पास मशीनें उपलब्ध नहीं है, वो हंसी का उपयोग करते हैं। अच्छा। हंसी के उपयोग जो पारंपरिक जो पुराने हंसी है उससे जो फसल काटने का मतलब जो जिस तरह से फसल काटी जाती है उसके स्थान पर वो दांतेदार हंसिया का उपयोग करें। दांतेदार हंसिया होता है जिसमें दांते जो धार होती है उसके स्थान पर दांते होते हैं। अच्छा। और उसको आप जो धार लगाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो भी मजदूर है जो उसका उपयोग करता है उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं होता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे फिर हम यंत्रों के ऊपर आते हैं, तो उसमें जो उन्नत नवीन तकनीक के यंत्र आते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है रीपर। रीपर एक दो तरह के रीपर होते हैं, एक स्वचालित रीपर और एक सेल प्रोपेल्ड। स्वचालित रीपर में एक मशीन रहती है जिसके पीछे आदमी उसको, आपने जैसे पावर टिलर देखा होगा उस तरह से वो काम करता है, तो वो लगभग एक दिन में 7-8 एकड़ का काट सकता है और उसमें समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है। जबकि हम जब कटाई करते हैं तो यदि मजदूरों से बड़े रकबे की कटाई करना है तो मजदूरों से उसका काफ़ी हमारा धन व्यय होता है, समय व्यय होता है, और मौसम कब बदल जाए उसके ऊपर हम उसका हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जी जी। तो ये रीपर होता है सेल प्रोपेल्ड, जैसे मैंने कहा सेल प्रोपेल्ड और आपका वॉकिंग टाइप। सेल प्रोपेल्ड में ये होता है कि उसमें जो चालक रहता है उसको बैठने की व्यवस्था रहती है, तो ये एक सेल्फ और सेल प्रोपेल्ड हो गए। और दूसरा होता है रीपर आपका ट्रैक्टर से चलने वाले में एक फ्रंट रीपर होता है जो ट्रैक्टर के फ्रंट में लगता है, वो कटाई करता है। और दूसरा भी होता है कि वो पीछे की तरफ पीटीओ से चलता है। इसके साथ साथ में एक आजकल एक आधुनिक यंत्र आ गया है, उसमें रीपर कंबाइंडर। वो रीपर ये है कि वो फसल को काटता भी है और साथ साथ बांधता भी जाता है, उससे उसका श्रम की काफ़ी बचत होती है और मजदूर और लागत भी कम लगती है। इस तरह से एक घंटे में रीपर कंबाइंडर जो है एक एकड़ की कटाई कर देता है। उन हमारे किसान भाइयों की बात करें जिनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है कि इन यंत्रों को खरीद पाना, तो उनके लिए कुछ अनुदान वगैरह कुछ ऐसा मुहैया कराया जाता है हमारी सरकार द्वारा, उसके विषय में आप हमें बताएं थोड़ा। काफ़ी 25% लेकर 75% तक उसके अनुदान है। जैसे रीपर कंबाइंडर की बात करा था उसमें 2.25 लाख तक का उसमें अनुदान है, और उसकी कीमत लगभग 3 से 3.5 लाख के बीच में आती है, और उसके बीच में उसको 1,75,000 का अनुदान मिलता है, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है उसके लिए। ये सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ी एक मदद हो जाती है। किस प्रकार से हमारे किसान भाई जिन्होंने यंत्र भी ले लिए उनका उचित तरीके से रख रखाव वो कैसे करें जिससे वो लंबे समय तक उनके साथ ही रहें? बिल्कुल, किसान भाइयों आप जो भी यंत्र लेते हैं, जिस कंपनी का यंत्र लेते हैं उसके साथ में उसके मार्गदर्शिका रहती है जी। सबसे पहले तो उसका पूरी तरह से अध्ययन करें, और मोटी मोटी चीज़ें हैं कि आप जो भी यंत्र उपयोग कर रहे हैं उसके सबसे पहले नट बोल्ट टाइट करें, जो घूमने वाले उसके पार्ट्स हैं उसमें ग्रीसिंग करें, उसके जो बेल्ट्स हैं उसको प्रॉपर जो टेंशन रहता है जो तनाव दिया जाता है वो दे, और जो जैसे फसल काटते हैं जैसे बार कहते हैं उसको, तो उसका जो नाइफ चाकू जो लगे रहते हैं उसका निरीक्षण करें, क्योंकि यदि उसको जंग लग गया या उसकी धार कम हो गई तो हमारी फसल अच्छी तरह से नहीं काटेगी और हमारी मशीन को उससे नुकसान होगा। तो सबसे पहले वो उसके ब्लेड जो उसको भी बदले, और जहाँ तक इंजन लगा रहता है तो मैंने जैसा कि कहा कि जो जिस कंपनी का आप ले रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के इंजन लगाते हैं, उसका जो मेंटेनेंस का दिया रहता है उसमें सावधानियाँ उसका उपयोग करें तो वो। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात लोग है, कभी मशीन का उपयोग होने के बाद उसको खुले में ना छोड़ें ताकि उस पर जंग ना लगे, उसको अवश्य रूप से शेड में या किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे उसको सीधा गर्मी या ठंडी का उस पर असर ना पड़े। जी जी जी।
तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि किस प्रकार से आप कौन कौन से ऐसे उन्नत कृषि यंत्र हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, उनका उचित तरीके से रखरखाव आपको कैसे करना है। तो आप आज हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि किस प्रकार से आप उन्नत कृषि यंत्रों को अपनाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि आज पर्यावरण संरक्षण कितना ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हमको सभी को ध्यान देना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं कि जितना हो सके आप रासायनिक खाद से बचिए और जैविक खाद के विभिन्न प्रकारों को उपयोग में लाइए। आज के कार्यक्रम में भी हम आपको तरल जैविक उत्पाद के बारे में बताने जा रहे हैं, ये क्या है और किस प्रकार से आप इससे जुड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। जैविक तरल खाद खड़ी फसलों में खाद देने का सबसे बढ़िया तरीका है, और वो भी जैविक तरीके से। कई तरह के इसमें तैयारियां होती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है गोमूत्र, जो देसी गाय के गोमूत्र का 10%, मतलब 1 लीटर गोमूत्र 10 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करने से फसलों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और इसके अंदर अपना जो है कीटनाशक का काम भी करती है, और जो गोमूत्र होता है इसमें 33 प्रकार के तत्व होते हैं जो तत्व की पूर्ति भी करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया जैविक खाद है। दूसरा जो जैविक खाद है, ये जीवामृत गुजरात विधि से बनाया जाता है। गुजरात विधि में थोड़ा सा वो है, इसमें गोबर 60 किलो लेते हैं, गोमूत्र 10 लीटर लेते हैं, बेसन या दाल का आटा 2 किलो और गुड़ 2 किलो लेके 200 लीटर जो है के ड्रम में इसको भिगो रखा जाता है। दिन में 3 बार इसको हिलाया जाता है 5-5 मिनट के लिए, और 3-4 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव किया जा सकता है। मटका खाद, ये बहुत प्रचलित है, काफ़ी वर्षों से अपन मटका खाद का उपयोग करते चले आ रहे हैं। मटका खाद में जो है 15 लीटर गोमूत्र, 15 किलो देसी गाय का गोबर और 250 ग्राम गुड़, इसको मिला के रखिए, सुबह शाम हिलाइए, और 4-5 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में छिड़काव करिए। सबसे बढ़िया जो है कंडा पानी, त्वरित जो है खाद में कंडा पानी का एक बहुत महत्व है, और इसको अधिकतर हम जो है फसलों में फूल आने के पहले और दाना भरने के बाद में देते हैं। कंडा पानी में 7 कंडे, पुराने 7 कंडे लीजिए, 35 लीटर पानी लीजिए, 10 लीटर आप उसके अंदर गोमूत्र मिला दीजिए, इसको आप 4-5 दिन तक किसी भी टंकी में डाल दीजिए, 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि उसका रंग बदल गया, और जैसे रंग बदले उसको आप छिड़कना है तो उसको छान लीजिए, 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में छिड़क दीजिए। अब इसमें आप देखिए कि जैविक तरल खाद में जो टॉनिक है इनका बहुत महत्व है। बाजार में बड़े महंगे महंगे टॉनिक मिलते हैं, परंतु जैविक खेती के अंतर्गत आप टॉनिक
अपने घर पे अपने खेत पे ही तैयार कर सकते हैं। और इन टॉनिक में सबसे प्रमुख है आपका मछली खाद। इसमें 1 किलो मछली लीजिए, 1 किलो मछली में 1 किलो गुड़ मिलाइए और प्लास्टिक के डिब्बे में इसको बंद कर दीजिए। 10 दिन तक इसको रखिए, सुबह एक बार दिन में एक बार खोलिए, हिला दीजिए, 10 दिन बाद बढ़िया टॉनिक तैयार हो जाएगा। और इस टॉनिक का जो 500 मिलीलीटर आधा लीटर घोल 100 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करने से ये बहुत बढ़िया टॉनिक का काम करता है। इसी प्रकार हम वर्मी वॉश तैयार कर सकते हैं। जो केचुआ खाद हम बनाते हैं, केचुओं से ही वर्मी वॉश तैयार किया जा सकता है। और वर्मी वॉश भी एक बहुत बढ़िया टॉनिक है। इसका 5 लीटर मात्रा 100 लीटर पानी में मिला के आप इसको 1 एकड़ में छिड़क सकते हैं। इस प्रकार से जो तरल जैविक खादें हैं, तरल जैविक खाद एक बहुत बढ़िया जो है किसान के लिए उपयोगी खाद तैयार हो सकता है। इसको आप उपयोग करें और त्वरित जो पहले से आपने तैयार करके नहीं रखा है फिर भी तैयार कर सकते हैं। और एक जो बहुत बढ़िया है, ये ज़्यादा पैदावार टॉनिक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको 1 लीटर नीम ऑयल लेना है, 1 किलो आपका उसमें 3 किलो रेत मिला दीजिए, 3 किलो गोबर मिला के एक बोरी में भर के अंधेरे कमरे में रख दीजिए। 3-4 दिन बाद इसको 100 लीटर पानी में मिला के उसमें 1 एकड़ में छिड़काव कर दीजिए। इससे भी बढ़िया एक टॉनिक और है जो सस्ता, और वो है सोयाबीन टॉनिक। सोयाबीन टॉनिक में आप 1 किलो सोयाबीन को 24 घंटे तक भिगो दीजिए, और 24 घंटे भिगोने के बाद में इसको खलबत्ते से अच्छे से कूट लीजिए, और कूटने के बाद इसको छान लीजिए। इसमें 4 लीटर आप मिलाइए पानी, 250 ग्राम गुड़, मटके में इसको 3-4 दिन तक रखें और छान कर 500 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें। इस प्रकार यदि आप इन तरल जैविक खादों का उपयोग करते हैं तो खेती के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसमें फिर ना आपको यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी अन्य टॉनिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये बदलाव क्या है, बदलाव से हुआ क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। अच्छी पैदावार, खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल, पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर, एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का, भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का, कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का, किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। Thank you.
किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने बात की कि कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्र हैं जिनको आप प्रयोग में ला सकते हैं कटाई के समय। साथ ही हमने बात की तरल जैविक उत्पाद के बारे में। हमें उम्मीद है आज के कार्यक्रम में हमने आपको जो भी जानकारियां दी हैं आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।